और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज मुजफ्फरनगर दौरे पर अखिलेश यादव रहने वाले हैं। एसपी प्रत्याशी सुम्बुल राणा के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। 20 नवंबर को मीरापुर विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, इसे लेकर के तमाम तैयारियां। तो अब उपचुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी की पूरी ताकत नजर आ रही है। आज मुजफ्फरनगर दौरे पर अखिलेश यादव रहने वाले हैं। एसपी प्रत्याशी सुम्बुल राणा के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये अहम बेहद खास, 20 नवंबर को मीरापुर विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। तो यूपी उपचुनाव में समाजवादी, और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो उपचुनाव होने हैं उससे लेकर के पूरी तैयारी है सभी पार्टी की तरफ से, एड़ी चोटी का दम लगाते हुए सभी जो दल है वो नजर आ रहे हैं, और अब आज समाजवादी पार्टी के भी विशाल जनसभाएं, अखिलेश यादव जाएंगे तमाम रैलियां। फिलहाल क्या कुछ अपडेट? गरिमा, मैं आपको बता दूं, यूपी में 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हैं, जिसकी मुजफ्फरनगर की बात करूं तो मुजफ्फरनगर की मीरापुर जो सीट है उसका उपचुनाव 20 तारीख को होना है, और जिसको लेकर आज अखिलेश यादव पश्चिम के दौरे पर हैं और मुजफ्फरनगर के चतरौली में जनसभा करेंगे। वहीं जो मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है सुम्बुल राणा, वो चुनाव मैदान में है, और वहीं भाजपा से जो प्रत्याशी है मिथिलेश पाल, गठबंधन प्रत्याशी है, वो मैदान में है, और जिसको लेकर आज जनसभा है उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता है वो चतरौली में आज जुटेंगे। जी, तमाम लगातार जनसभाएं हो रही हैं, लगातार रैलियां की जा रही हैं वरुण, और इन सब के बीच देखा जा रहा है तमाम जो अहम मुद्दे हैं उससे लेकर के समाजवादी पार्टी जनता के बीच जा रही है। बेरोजगारी का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा, तो ये सारे मुद्दे, हालांकि लोकसभा चुनाव में बड़ा असर हमने देखा था, इस बार के चुनाव में कितना असर देखने को मिलेगा? क्योंकि जो गलतियां उस वक्त बीजेपी ने की थी वो गलतियां करने के किसी भी मूड में बीजेपी नजर नहीं आ रही, और उस सीएम ने खुद पूरी जिम्मेदारी संभाली है। देखिए गरीबों, मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी जनसभा करके गए हैं। उन्होंने सीधा सीधा समाजवादी पार्टी और जो यहाँ प्रत्याशी हैं उनके शत्रु हैं, काजी राणा पूर्व सांसद हैं, उनको टारगेट किया है। उन्हें 2013 दंगों का आरोपी बताया है, और ये भी बताया कि उनके घर से जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था तो हथियारों का जखीरा बरामद हुआ, तो कहीं ना कहीं बीजेपी 2013 के दंगे का जो पॉइंट है वो इस चुनाव में बनाने की कोशिश करी है। वहीं आज अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर आ रहे हैं। कल भी अखिलेश यादव ने बड़ी रैली को संबोधित किया था, उसको लेकर बीजेपी को टारगेट किया था, और उन्हें पुलिस महकमे के लिए एक बड़ी बात कही थी कि अगर हमारी सरकार आती है तो नौकरी भी पक्की होगी और वर्दी पक्की होगी। और वही अगर आज मुजफ्फरनगर की बात करें तो चतरौली में बड़ा जनसमूह जुटेगा, जिसको लेकर आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, सपा के सुप्रीमो हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील करें। वरुण, एक बार मुजफ्फरनगर का जो जातीय समीकरण है उसका भी जिक्र कीजिएगा कि किस तरह के जो यहाँ की जो जनता है वो किस आधार पर यहाँ पर अपना जो चुनाव है अपने विधायक का किस आधार पर करती है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर मीरापुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम समाज का बड़ा वोट बैंक है, 1,20,000 वोट मुस्लिम समाज के यहाँ पर है। वहीं अगर हिंदू की बात करें, शैली समाज मीरापुर उपचुनाव में आता है, कुल मिला के अगर समीकरण देख रहे हैं मुस्लिम, दलित और जो कट्टर है वो यहाँ पर काम करेगा। ठीक है वरुण, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।